जीरो सिक्स टू जीरो सेवन टू जीरो एट अभी रिवीजन चालू हो रहा है अभी रिवीजन चालू हो रहा है तो यहाँ से मैं कट करूंगा और ये कट करके जो लास्ट तक रहेगा वो रिवीजन लेक्चर अपलोड करूंगा मालिक ओके okay. तो so, पहला पॉइंट है ओके चैप्टर फोर्थ का इंक्वायरी इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन मैंने आपको क्लियर किया इंक्वायरी इंस्पेक्शन के ओके okay, चार सेक्शन है 206 207 208 209 और इन्वेस्टिगेशन के आगे के सेक्शन है तो पहले बात करते हैं इंक्वायरी इंस्पेक्शन के इसमें 206 क्या बोलता है 206 आपको तीन रूट देता है थ्री रूट देता है थ्री रूट टू तो एंटर इंटू इंक्वायरी एंड इंस्पेक्शन पहला रूट क्या बोलता है अगर कोई डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन फाइल्ड बाई कंपनी है और इन्फॉर्मेशन रिसोट बाई हिम यानी आरोसी है आरोसी कैन कॉल फॉर रिक्वायर ही कैन कॉल फॉर इफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन डॉक्यूमेंट रिटन नोटिस टू प्रोड्यूस इफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन एंड डॉक्यूमेंट ओकेज आई डी मतलब इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन ठीक है मालिक ओके okay, वापस फर्स्ट रूट पर यहाँ पर ड्यूटी ऑफ कंपनी और ऑफिसर जो रहेगा या पास्ट ऑफिसर टू फर्निश सच इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन एंड डॉक्यूमेंट टू द बेस्ट ऑफ नॉलेज विद इन द टाइम गिवन और एक्सटेंडेड टाइम ये रहेगा ओके okay, आपको और एक पॉइंट बताया था मैंने एडिशनल रिटर्न नोटिस दिया जाएगी कब अगर इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन डॉक्यूमेंट्स आपने प्रोवाइड नहीं किए आपने जो प्रोवाइड किए इट इज इन और इट द आरओसी इज ओसी विद द स्टेट ऑफ एस

थर्ड रूट इंस्पेक्शन बाय सीजी अगर सीजी को लगता है सरकम वारंट करते हैं है, या तो टू इंस्पेक्ट अकाउंट्स एंड पेपर्स तो दोनों में फर्क क्या था इंक्वायरी तो वाला इंस्पेक्शन था, और में वाला था ये खत्म हुई आपकी सेक्शन की पॉइंट okay, ये होने टू जीरो सेवन में कॉन्सेप्ट क्या था टू जीरो सेवन में दो चीज थी ड्यूटी ऑफ ऑफिसर्स एंड डायरेक्टर्स और एम्प्लॉई था और दूसरा पॉइंट okay, okay, uh, है इंस्पेक्टर और आरओसी क्या रहेगा ऑफिसर एम्प्लॉय की तीन ड्यूटी है ओके okay, पहला डॉक्यूमेंट सारे सबमिट करना ओके okay, स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन सारे देना और असिस्टेंस देना यह होने के बाद पावर्स ऑफ आरओसी इंस्पेक्टर क्या है पावर्स ऑफ आरओसी इंस्पेक्टर बाई तीन है ओके बुक्स ऑफ अकाउंट्स की कॉपी बनाना आइडेंटिफिकेशन मार्क्स रखना एंड सिविल कोर्ट के पावर तीन चीजें सिविल कोर्ड की पावर है डिस्कवरी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट करना ओके डिस्कवरी एंड प्रोड्यूस करो मुझे प्रोड्यूस करो ओके okay, ये बुक्स मुझे प्रोड्यूस करो अटैच में अटेंडेंस के लिए बुलाना एंड इंस्पेक्शन करना तो तीन चीजें ओके डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन अटेंडेंस एंड इंस्पेक्शन ये सिविल कोड के पावर दिए हुए और इसके

धीरे-धीरे जाते हैं सबसे पहले 210 में 210 में क्या बोला गया अगर सीजी को तीन सरकमस्टेंसेस तीन सरकमस्टेंसेस मिले हैं सीजी को तो सीजी में ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन व्हाट आर द थ्री सरकमस्टेंसेस 208 की रिपोर्ट मिली है ओके एसआर पास किया गया है या पब्लिक इंटरेस्ट ये तीनों में से कोई भी एक सरकमस्टेंसेस हुआ है तो सीजी में ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन सेकंड सिनेरियो ए सीजी शैल ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन अगर कोर्ट और ट्रिब्यूनल ओके okay, कोर्ट या ट्रिब्यूनल बोलती है ओके okay, सीजी को क्या इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करो तो दोनों में फर्क क्या है कि सीजी मे ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन ए के सीजी शैल ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन और ये सीजी जब ऑर्डर करेगा इन्वेस्टिगेशन इसके लिए अपॉइंट

यानी कुछ अगर अगर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद कुछ प्रोसिक्यूशन के हाथ चीजें हाथ लगी तो ये डिपॉजिट रिफंड हो जाएगा यह अपने डिस्कस किया ये होने के बाद आपका टू टू टू, टू वन वन था टू इलेवन ये मैंने आपको सेक्शन बोला इग्नोर करने का आपको ये खाली रीड करके छोड़ देने का सर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एस एफ आई सर एस्टेब्लिशमेंट में सबसे पहला पॉइंट एस एफ आई ओ कॉन् सेटअप करेगा सीजी करेगा ओके okay, यार पहले जब तक सी जी सेटअप नहीं करेगा तो जो पिछले वाला एस एफ आओ वो चालू वो वो काम करेगा उसके बाद एस एफ आई का कंपनसेशन कंपोजिशन क्या रहेगा एक डायरेक्टर रहेगा और एक्सपर्ट्स रहेगा बैंकिंग के कॉर्पोरेट अफेयर्स के टैक्स के फॉरेंसिक के इंफॉर्मेशन सिस्टम के लॉ के

इसके अलावा क्या, क्या बेल मिल सकती है आंसर इज यस कोड मैंने आपको डिस्कस किया बेल मिलने के ग्राउंड दिए हुए लेकिन आपको याद रखना है बेल मिलते हुए कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर क्रिमिनल प्रोसीजर का जो भी फॉलो करना है वो भी करना पड़ेगा इसके अलावा ओके मोस्ट इंपॉर्टेंट एनी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ और एनी पर्सन ऑथोराइज बाई सी स्पेशल ऑर्डर जनरल ऑर्डर कैन मेक एन अरेस्ट यानी अरेस्ट करने के लिए कॉग्निजेंस करने के लिए डायरेक्टर चाहिए लेकिन अरेस्ट करने के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर भी चलेगा ओके okay, और ये इमीडिएटली जब यह अरेस्ट कर लेगा इमिडियटली कॉपी ऑफ ऑर्डर जो इसको मिला होगा वो सील्ड में डालेगा और विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स इसको स्पेशल

जी कैन ऑर्डर इन दिस सेक्शन सेकंड रूट क्या है ट्रिब्यूनल को अगर ये चीज करनी होगी तो ट्रिब्यूनल भी सीजी को बोल सकता है सीजीओ मोटो कर सकता है ट्रिब्यूनल के एप्लीकेशन बात कर सकता है इसके अंदर स्कोपर्स सेक्शन डिफाइन करेंगे आपको बता दिया था और इस सेक्शन के आउटकम में टू ट्वेंटी ऑन शेयर लगा सकते हैं ट्रिब्यूनल जिसमें शेयर को बे, बेच नहीं सकते शेयर पर राइट शेयर इशू नहीं कर सकते ओके okay, डिविडेंशू नहीं कर सकते ये डिस्कस किया होता यह होने के बाद आपके लिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आया था इस पॉवर ऑफ इंपेक्टर आराम जाना एकदम ओवरऑल

ओबे करता है डायरेक्शन को यानी उनको डायरेक्शन हैं वो डिसोबे जाते हैं तो उनको ऑफ वन ईयर एंड ओके ट्वेंटी की पेनल्टी सकती है लेकिन यहां पर सबसे मेन पॉइंट है, है तो इसका मतलब यहाँ पर और वापस होगा okay, इग्नोर करने के लिए खाली एमसीक्यू के हिसाब से आपने याद रखा तो ठीक है इसके अलावा पर्सन फेल टू रिप्यूज ओके ऑफिसर और एम्प्लॉय मैं बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं दे रहा हूँ इन्फॉर्मेशन फर्निश नहीं करो ओकेज आई एम नॉट एंग बिफोर ट्रिब्यूनलिंग इन बिफोर ऑफ इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर

नहीं चाहिए वो मैं नहीं कर रहा हूँ ये केसेस दोनों हैं एंड लास्ट कॉन्सेप्ट है सीजी में एंटर इनटू एग्रीमेंट ओके फॉरेन कंट्री का मैंने जो आपको बताया कि फॉरेन कोलेब्रेशन है तो भाई उनके साथ में रेसिप्रोकल एग्रीमेंट होंगे जिसकी वजह से बाहर के पर्सन इंडिया में लाए जाएंगे ओके okay, तो अपना कोर्ट उधर के कोर्ट को बोलेगा और कोर्ट लेके आएगा ये सारा कॉन्सेप्ट मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में अपन पढ़ेंगे मालिक ओके okay. इसके साथ में मैंने बताया था टू वन नाइन टू वन नाइन आपको अच्छे से याद रखना है टू वन नाइन इज इन्वेस्टिगेशन इंटू अफेयर्स ऑफ अदर कंपनी ओनली कैन बी डन आफ्टर द अप्रूवल ऑफ सीजी और अदर क्या है सब्सिडी कंपनी होल्डिंग कंपनी सब्सिडी ऑफ होल्डिंग कंपनी उसके अलावा बॉडी कॉर्पोरेट जिसमें एम और मैनेजर प्रीवियसली एम मैनेजर थे तीसरा जनहारो बॉडी कॉर्पोरेट विच इज अ कस्टम टू एक्ट एंड हु वर द अर्लियर अर्लियर पहले वाले एम मैनेजर एम्प्लॉय थे अगर आपको याद होगा मैंने आपको ये क्लियर बताया टू और ये टू के इसमें डिफरेंस क्या था यहां पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मंगानी है यहां

ओके okay, याद रखना पहले ट्रिब्यूनल का जो भी ऑर्डर होगा वो फाइनल होगा बाइंडिंग होगा खत्म स्टोरी ओके okay, उसके अगेंस्ट आप कुछ नहीं करोगे टू ट्वेंटी में सर्च एंड सीजर है मैंने आपको बताया ये सीधा आंसर डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करिए टू जीरो नाइन से टू जीरो में सर्च एंड सीजर है सिमिलर है सिर्फ इसमें क्या है इसमें ये कॉन्सेप्ट है कि वहां पर अपन ऑडिट ऑडिटर और सीएस के भी अपने को सर्च एंड सीज करते थे यहाँ पर सिर्फ कंपनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट एमडी और मैनेजर ऑफ कंपनी बाकी ऑडिटर नहीं आएगा दूसरा नो अप्रूवल रिक्वायर्ड जैसे उधर स्पेशल कोर्ट का अप्रूवल था तीसरा वन एटी डेज यहां पर लिमिट नहीं है यहां पर जब तक इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं होता तब तक आप यहां पर बुक्स एंड अकाउंट आपके पास बुक्स पेपर जो भी आपने सीज किया है वो आप रख सकते हो कंक्लूजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन

जो रिमूवल हो रहा है या ट्रांसफर हो रहा है डिस्पोज हो रहा है एसेट्स और प्रॉपर्टी ऑफ फंड्स प्री जुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी या शेयर होल्डर है ट्रिब्यूनल वो ट्रांसफर रोक सकता है और मैक्सिमम कितने टाइम तक रोक सकता है इट कैन बी मैक्सिमम फॉर थ्री नॉट टेक प्लेस एंड द रेस्ट्रिक्शन कैन बी डन फॉर मैक्सिमम थ्री ईयर उसके पहले ओके okay, वो ट्रिब्यूनल सुनवाई करेगा आइदर टू फोर्टी फोर में करेगा या इसमें करेगा वॉट एवर इट में भी जब तक वो बेचेगा नहीं फ्रीजिंग ऑफ एसेट्स मेरे ख्याल से मालिक क्लियर ये था आपके लिए इन, जब वापस बोल रहा हूं जब इंस्पेक्शन और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तब यह

ट्वेंटी वन टू ट्वेंटी टू आराम से इंप, यहाँ पर इंपोजिशन और, और ये भी आपको बताया अगर टू वन सिक्स का अगर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है या उसके जैसा कोई कंप्लेट मिला है ट्रिब्यूनल को तो ट्रिब्यूनल कैन पुट ओके एंड हैव गुड रीजन टू फाइंड आउट द फैक्ट अबाउट द सिक्योरिटीज ओके दे कैन पुट रिस्ट्रिक्शन ऑन सिक्योरिटीज जैसे सर रेस्ट्रिक्शन क्या हो सकता है देखो सेक्शन ने रेस्ट्रिक्शन नहीं बताया लेकिन मैंने आपको बताया बोनस शेयर इशू नहीं करेंगे ओके डिविडेंड इशू नहीं करेंगे राइट शेयर इशू नहीं करेंगे और सो ऑन और यहां पर मैक्सिमम पीरियड का रेस्ट्रिक्शन थ्री सकता है तो ये टू ट्वेंटी टू है तो टू ट्वेंटी टू कब डाल सकते हैं आप याद रखिए टू ट्वेंटी वन कब डाल सकते हैं जब इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन हो रहा है टू ट्वेंटी वन कब डाल सकते हैं जब इंस्पेक्शन एंड टू टेन हो रहा है टू ट्वेल्व हो रहा है टू थर्टीन हो रहा है मैटर यहां पर ओके इंपोजिशन ऑन रेस्ट्रिक्शन कब डाल सकते हैं ओनली टू वन सिक्स में यानी अगर ये इन्वेस्टिगेशन कोई दूसरा नहीं और दूसरा हो रहा है टू टेन हो रहा है तो ये डिस्कशन नहीं आएगा टू सिक्सटीन या उसके रिलेटेड पॉइंट में ये डिस्कशन आएगा टू ट्वेंटी टू वाला ये याद रखिए टू ट्वेंटी थ्री इग्नोर करिए इंस्पेक्टर की रिपोर्ट है ओके इंट्रीम रिपोर्ट दी जाएगी और फाइनल रिपोर्ट दी जाएगी वो राइटिंग में होनी चाहिए और वो उस मेंबर क्रेडिटर जिसके जो कोर्ट में फाइल कर सकता है उसके उसको भी दी जाएगी और ये ऑथेंटिकेट की जाएगी सील ऑफ द कंपनी होगी और सर्टिफिकेट ऑफ पब्लिक ऑफिसर होगा ये भी इग्नोर करने बोला मैंने सेक्शन आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है लेकिन इसके बाद सबसे तोड़ इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो है टू ट्वेंटी फोर टू ट्वेंटी फोर में सबसे पहला पॉइंट क्या किया जाएगा प्रोसेस प्रोसिक्यूशन किया जाएगा प्रोसिक्यूशन किसके अगेंस्ट किया जाएगा इफ एनी पर्सन टू बी गिल्टी ऑफ ऑफेंस क्रिमिनल लाइबल है सीजी प्रोसिक्यूट करेगा वो कंपनी ऑफिसर जो भी एम्प्लॉय होगा उसके अगेंस्ट अगर सीजी को लगा कि भाई ये कंपनी की लगी पड़ी है अनलॉफुल एक्टिविटी और सब कुछ है ओके सीजी ट्रिब्यूनल को बोलेगा भाई यार एक, भाई यार यार एक तो टू फोर्टी फोर ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट में इसको देख या तो वाइंडिंग अप कर कंपनी का आइदर ऑफ इट यानी पहला पॉइंट है प्रोसिक्यूशन करना दूसरा है पिटीशन फाइल करना तीसरा है रिकवरी ऑफ डैमेज मैंने बताया इसका लिखा हुआ है इनिशिएट वाइंडिंग ऑफ प्रोसीडिंग लेकिन इसका मेन मकसद क्या है रिकवरी ऑफ डैमेज सर जो भी डैमेज

लो और उस पर्सन को लायबल करो विदाउट लिमिटेशन ऑफ एनी लायबिलिटी ये हो गया आपका 224 224 के बाद आपके पंचायती सेक्शन में मैंने जैसे बताया एक्सपेंसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन ओके अगर कन्विक्ट हुए वो कन्विक्ट होने वाला पर्सन पे करेगा ओके okay, या तो कोर्ट बोलेगा ऑर्डर टू पे डैमेजेस या जो भी प्रॉपर्टी होगी जो इन्वॉल्व होगी प्रोसीडिंग में उसमें से निकाला जाएगा ओके वॉलेंट्री वाइंडिंग अप 226 मैंने क्या बताया हुआ है अगर आपका वॉलंट्री वाइंडिंग अप हो रहा है इसका मतलब आपके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता ऐसा नहीं है अगर आपके अगेंस्ट ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट हो रहा है तो इसका मतलब आपके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकता इट इज़ नॉट सो इन्वेस्टिगेशन कैन टेक प्लेस एनी टाइम एनी टाइम इट द पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज ओके ओवर अबाउ वाइंडिंग अप और वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग ओके और ये इम्यूनिटी देता है बैंक एंड लीगल एडवाइजर आर नॉट रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज ओके दे कैन ओनली ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन दे कैन ओनली डू द डिस्कोजर ऑफ बेसिक इन्फॉर्मेशन लाइक नेम एंड एड्रेस ऑफ क्लाइंट नॉट मोर देन दैट एंड टू

ओके तो इंक्वायरी इंस्पेक्शन का क्लियर मालिक ओके okay, तो so ये हुई आपके चैप्टर फोर्थ की कहानी ओके ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद सबसे पहले मैं चैप्टर सिक्स को रिवाइज करा लूंगा फिर मैं चैप्टर फाइव पे जाता हूँ मालिक ओके okay.